विंटर के सीज़न में प्लूमेरिया प्यूडिका की कटिंग। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको प्लूमेरिया की कटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। वेलकम टू गार्डनिंग विद गौरव। विंटर के सीज़न में आप कटिंग को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होती है और मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है। इस टाइम पे अगर आप कटिंग को ग्रो करते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आप अगर अपने प्लांट को समर के लिए रेडी करने के लिए सोच रहे हैं तो यही सही टाइम है। आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और जो ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस को एज अ कटिंग ग्रो कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्लांट की इतनी लंबी कटिंग को भी ग्रो किया जा सकता है। ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं। नॉर्मल सी गार्डनिंग सॉइल लेनी है एक पॉट में, और एक शार्प ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिससे इस कटिंग के बॉटम पार्ट में थोड़े से स्क्रैचेस मार लेने हैं। मैं स्क्रैच कर ले रहा हूँ। स्क्रैच मारने से आपको वहाँ पे रूटिंग सिस्टम डेवलप होने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। देखिए इसमें स्क्रैच हो गए, ऐसे ही बाकियों में कर लेता हूँ। स्क्रैच करने के बाद इसको थोड़ा फंगिसाइड लगा दूंगा ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे और ये इजीली ग्रो हो जाए। स्क्रैच हो गई है कटिंग, तो ये तीनों रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा फंगिसाइड लगा लेता हूँ, ये साफ का फंगिसाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये आपका रूटिंग हार्मोन की तरह काम तो नहीं करता है, बट आपकी कटिंग को ख़राब होने से बचाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी कटिंग जो है वो सॉइल में ऐसे लगी रहेगी और उसमें कोई भी जो अटैक होगा इंसेक्ट्स का वो सब नहीं होगा। तीनों में लगा लिया है, अब इनको मैं इसी पॉट में सॉइल में लगा देता हूँ। छोटा सा एक होल बना लेते हैं। होल में इस कटिंग को मैं ऑलमोस्ट 3 इंच तक मैं दबाने वाला हूं ताकि ये कटिंग लंबी होने की वजह से हिले ना। छोटी कटिंग ले सकते हैं आप, उसको कम दबाइए, बट बड़ी कटिंग जो होती है उनको आपको थोड़ा ज़्यादा सॉइल के अंदर दबाना पड़ता है। तो ये तीनों कटिंग लग गई हैं और हमारा प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इसको आप अभी बिल्कुल भी वाटर नहीं देंगे क्योंकि विंटर का सीज़न है। जब रिक्वायरमेंट हो, सॉइल ड्राई हो जाए तभी आप वाटरिंग करिए हल्की सी, और बिल्कुल भी टच नहीं करना एक बार कटिंग लगाने के बाद। पार्ट 2 में इसका रिज़ल्ट मैं आपको शो करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।